अगले दिन जब योहन अपने दो शिष्यों के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने मसीह यीशु को जाते हुए देखकर कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना। ये सुनकर दोनों शिष्य मसीह यीशु की ओर बढ़ने लगे। मसीह यीशु ने उन्हें अपने पीछे आते देख उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, गुरुवर आप कहां रहते हैं? मसीह यीशु ने उनसे कहा, आओ और देख लो। इसलिए उन्होंने जाकर मसीह यीशु का घर देखा और उस दिन उन्हीं के साथ रहे। ये दिन का लगभग 10वां घंटा था। योहन की गवाही सुनकर मसीह यीशु के पीछे आ रहे दो शिष्यों में एक शिमोन पत्रस के भाई आंद्रयास थे। उन्होंने सबसे पहले अपने भाई शिमोन को खोजा और उन्हें सूचित किया, हमें मसीह परमेश्वर के अभिषिक्त मिल गए हैं। तब आंद्रयास उन्हें मसीह यीशु के पास लाए। मसीह यीशु ने शिमोन की ओर देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र शिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पत्रस कहलाओगे। अगले दिन गलील जाते हुए मसीह यीशु की भेंट फिलिपोस से हुई। उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे हो ले। आंद्रयास और शिमोन के समान फिलिपोस भी बैतसैदा नगर के निवासी थे। फिलिपोस ने नाथानियल को खोजकर उनसे कहा, जिनका वर्णन व्यवस्था में मोशे और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमें मिल गए हैं, नाजरत निवासी योसेफ के पुत्र यीशु। ये सुन नाथानियल ने तुरंत उनसे पूछा, क्या नाजरत से कुछ भी उत्तम निकल सकता है? आकर स्वयं देख लो, फिलिपोस ने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने नाथानियल को अपनी ओर आते देख उनके विषय में कहा, देखो एक सच्चा इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं है। नाथानियल ने मसीह यीशु से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इससे पूर्व कि फिलिपोस ने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। नाथानियल कह उठे, रब्बी आप परमेश्वर पुत्र हैं, आप इसराइल के राजा हैं। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास इसलिए करते हो कि मैंने तुमसे ये कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा? तुम इससे भी अधिक बड़े बड़े काम देखोगे। तब उन्होंने ये भी कहा, मैं तुम पर ये अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के लिए नीचे आते और ऊपर जाते हुए देखोगे।